होलकर कॉलेज की दीवारों पर निगम द्वारा बनाए गए योग चित्र बाबा रामदेव जैसे होने के कारण अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। इसी के चलते अब इस पूरी घटना के बाद अखबारों में जब खबर छपी तो प्राचार्यों ने इसे हटाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन इसी कड़ी में इंदौर योग प्रशिक्षण चिकित्सक संघ द्वारा योग चित्र को न हटाने की प्रशासन से गुहार लगाई गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर के होलकर कॉलेज की दीवारों पर बनी योग मुद्रा, ये आकृति लोगों के लिए योग की अलग मुद्रा के सिवाय कुछ भी नहीं होगी, लेकिन मौसम चुनाव का है लिहाजा राजनीति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल NSUI कार्यकर्ताओं को तस्वीरों में योग कर रहा शख्स बाबा रामदेव नजर आ रहा है, जिसे चुनाव आचार संहिता के चलते हटाने की मांग की है। वहीं इंदौर योग प्रशिक्षण चिकित्सक संघ को एतराज है कि योग को राजनीतिक नजरिए से देखने की वजह से अब मामला प्रशासन की पेड़ी तक पहुंच गया है। दरअसल मंगलवार संस्था के कुछ सदस्य जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और कहा कि जो आकृति होलकर कॉलेज की दीवारों पर बनाई गई है वो योग को बढ़ावा देती है और उसे किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से प्रभावित शख्स से जोड़ना गलत है, इसलिए उन्हें दीवारों से नहीं हटाया जाए। हमको पेपर के द्वारा पता चला था कि होलकर कॉलेज की जो दीवार है उस पर जो योग की कलाकृति बनाई गई है, बहुत ही सुंदर कलाकृति है, और उसको कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक है कि उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है और छात्र संघ अपने अपने तरीके से उसको बता रहे हैं कि प्रचार हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि योग जो है वो हमारी अमूल्य धरोहर है भारतीय परंपरा की, और इसको पार्टी से जोड़ना गलत है। जहाँ तक की बात है कि योग की आकृति जो है वो बाबा रामदेव से मिल रही है या कुछ है, तो हमें बता दूँ आपको कि हटियों के जो पारंपरिक आप ग्रंथ देखोगे तो उसमें सभी ऋषि मुनि हमारे योग करते आ रहे हैं, तो वो जो कलाकृति बनाई गई है उसमें एक ऋषि का चित्र बनाया गया है, ना कि बाबा रामदेव से मिलता जुलता चित्र है। तो हमारा ये कहना है कि उसको ना हटाया जाए, और इसी मामले में हम यहाँ पर ज्ञापन देने जा रहे हैं। नहीं, हम कॉलेज प्रशासन के द्वारा, हमको पता चला था कि कॉलेज प्रशासन ने शिकायत की है कि निगम ने इसको बना दिया है, इसको तत्काल हटाया जाए, इसको पुताया जाए। तो हम यही चाहना चाह रहे हैं कि हम तो योग से जुड़े हुए हैं, तो इसको क्यों हटाया जाए? ये तो एक सुंदर शहर को नंबर वन बनाने के लिए एक अच्छी पहल है, और उसको कहीं ना कहीं देख कर लोग योग करने के लिए प्रेरित होते हैं। नहीं, इसका NSUI, हमको पता चला था कि NSUI जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने प्रशासन तक को भी बोला है कि इसको हटाया जाए तुरंत। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हम इंदौर योग संघ की तरफ से मांग कर रहे हैं कि इसको ना हटाया जाए, क्योंकि ये सुंदर शहर की सुंदर कलाकृति है, इसको ना हटाना अच्छा। ये नौलखा से भंवरकुआ आप देखेंगे होलकर कॉलेज की जो दीवार है उस पर बहुत ही सुंदर कलाकृति है, और उसको हटाना यानी योग को विलुप्त करना है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के प्राचार्य महोदय भी ये नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ पर योग के चित्र बने रहें, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसको क्यों हटाया जाए। दरअसल 22 अप्रैल को एक अखबार में खबर छपी थी जिसमें लिखा गया कि निगम ने बिना अनुमति होलकर कॉलेज की दीवारों पर योग मुद्रा करते हुए एक ऐसे शख्स की आकृति बनाई है जो बाबा रामदेव जैसे दिखता है। इस पर NSUI ने कॉलेज प्रबंधन के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत कर दी है और अब प्रशासन इस मामले में जांच कराने की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।